पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, मेरा अंदर ठंडा, गुरु दर्शन देखने वाली पाम सुहावे, जाता तिर जुल दे शीस सुहावा चरणी, मुख सुहावा जाता जस गा, जियो पया तो सरणी, श्री वाहे गुरु साहिब जियो सतनाम, श्री वाहे गुरु बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंधुले त्रिभुवन तुजिया गुरु पेट कुनीता, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, अंधुले त्रिभुवन तुजिया गुरु पेट पुनीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अब हरे निर्मल पैचीता, रहा ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो आपनो चित अभयदान दीता, सिंह बिलाई होए गयो तिन मेर दिखीता, श्रम करते दम आड को ते गनी तनीता, कवन वडाई कह सको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देहु नानक दर्शरीता, कवन वडाई कह सको बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम दे नानक दर्शरीता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जीओ, बिलावल साहब के बहुत घट हुकमनामा आता है क्योंकि तकरीबन 809 इस वेले अंग ने, जदों सुखमनी साहब जी तो बाद जो अंग उल्टाए तो बार बार उल्टाने ठीक नहीं समझे, ये हुक्मनामे क्योंकि बहुत घट 600 तो लैके 700 के बीच बहुत हुक्मनामे आते हैं। ये मेरे पंजे नानक का बड़ा प्यारा शाहकार है, इसे तक कई बार विचार आप जी कीर्तन राही भी सांझे हुए हैं कि सतगुरु कितनी बख्शिश करते हैं जोड़ा नाम ना जुड़ जाए। संगत जीओ, जितनी गुरबाणी गाई गई है, तेज गुरबाणी जाप हुए हैं, जितनिया विचार हुई हैं, पर समझो ये शब्द उस दान निचोड़ है, असी करना है हम असी ये धरवा रख लिए कि नाम सिमरन करना है। सतगुरु की फरमान करते हैं मेरे पंजे नानक बिलावल महला पंजा, बिलावल साहब पंजे नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज की यह अवतरण बाणी है, अकाल पुरख वर्गों की नहा। पिंगल पिंगला कहने जिसके पैर उनता हम दिसन वास्ते लेकिन कम ना करते हो, उन्होंने पैर से चल ना सकता हो, उस कहने पिंगला। आप बाणी में शब्द सुनते हो, करम करत अरुण पिंगलारी, उसके करम ऐसे सन के अरुण जो है वह पिंगला होया, उसके पैर नहीं काम करते सन, अजय साधु पुत्र से बंदगी के परिवार, बंदगी वाले परिवार में होया,
सतगुरु कर्मों की गल बड़ी गति दस देने साहे फरमान करते हैं पिंगल पर्वत पार परे जे किते उसे कृपा हो जाए परमात्मा काल पर वाहेगुरु की जे किते नजर हो जाए परमात्मा जी जे किते नाम वाणी नाल जुड़िया होवे ए सब अनहोनियां गल्लां ने पिंगल पर्वत पार परे खल खल कहिंदे मूर्ख नूं खल मूर्ख ते पंडित कर दो करबो पंडित ते मुगधारी बाणी ने चाहुंदा है पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर चतर पढ़ते हाँ लफ्ज चतर नहीं है चतुर सियाणा चतर जो चाहता जो चतराइया संसारी जीडिया असि झूठ बोल के चतराइया करते हैं सियाणपा करते हैं पिंगल पर्वत पार परे खल मूर्ख चतुर बकीता वह बड़ा सियाणा वक्ता बन जाता है अंधड़े हम अन्ने की दिसेगा हम दसे देंगे आप जी के सुनना सीख लगे तो बड़ी टेढ़ी खीर है जो बगला भी जाए टेढ़ा तो खीर भी टेढ़ी होगी पर स्पर्श ना नहीं पता लगता कुछ चीजा देखद पता लगदियां ने अनुभव द्वारा इंसान उन्होंने जान सकता है अंधले त्रिपवन सूझिया अंधले अन्ने तिना पवन की सोझी हो आएगी पर कदों हो आएगी जो अंतरमुखी होगा इन्हों अखर समझिए अं सिर्फ संसार देख सकते हैं परोक्ष नहीं देख सकते कहते ना सारा बंदा त्रिकालदर्शी हो गया सन सारे महापुरुष दस दें सन भाई सज्जना यह काम ना करे तेरे ना यह होगा कि साढ़े वर्गे मुल्क तक करके देखिए की होगा अगुर फरमान करते हैं अंदर अन्ने तेरा भावना की सोझी होगी कदों जो नाम ना जुड़िया सोझी अंदर हवा आती है कि संसार में किवें वर्ती है संसार में की होंगे महमा साधु संगी तुम कोई साधु लभण की लड़ नहीं पीले कपड़े वाल या किसी खास पहरावे वाल साधु वो जो साधना कर तुम साधना कर रहे हो सवेर इतने दूजे टाउन तो आए हो इतने बैठे हो किसी ठीक है तुम प्रिंसल परिवार परिंदर सिंह बीबी मंदिर को सद्या है पर तुम आए तो साधना कर संगत बैठे हो ना ये बख्शिश है गुरु की सतगुरु फरमान करते हैं महमा साधु की महमा जिस विच आप बैठे होती महमा की है जिसे आपने घंटा डेढ़ घंटा लाया पाठ भी सुने बाणी सुनी है करद भी बाणी का उच्चारण किया अपने ग्रह में सहजे सहजे सतगुरु बड़ा प्यारा फरमान करते हैं उस जो संग किया है साधु का साधना का महमा साधु संग की सुनो मेरे पिता ऐ मेरे मित्रों ध्यान दे के सुनो ध्यान दो तवज्जो दो केवल सुनना काफी नहीं उसको अंदर बसाओ करो भी महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता की होगा मैल खोई हम इतने मैल शरीर की नहीं कि ना ही नाइए बड़े डब साबण ना नाइए तो मैल उतर जाएगी अंदर की मैल नहीं लगी भावे तुम सारा शरीर का ड्रम डोल दे नहीं जानी अंदर सतगुरु फरमान करते हैं महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अंध है मैल मन की है आप रोजबानी पढ़ते हो ना मूत पलीति जपजी साहब ने चाहता है मूत पलीति कपड़ होए जे कि कपड़े गंदे हो जाए दे साबुण लेइए और धोए भरिए मति इतने ततन चारी है मत पढ़ते हाँ से यह हिंदी का लफ्ज है मती भरिए मत पापा के संग वो धोपे तो भी धोती जाएगी नावे के रंग सतगुरु फरमान करते हैं महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अगहरे करोड़ा पाप खत्म जा दुख खत्म हो जाएंगे पाप मुक जाएंगे निर्मल भय कीता मन भी पवित्र हो जाएगा ये राव जी तो सारे शब्द का सार पाव ऐसी भगत गोविंद की सतगुरु दृढ़ करवाते हैं कि तुम कोई गलत समी सानू कोई गलत समी ना रहे गोविंद की भगती नाम सुनना यह है ऐसी भगत गोविंद की कीट कीड़े ने हाथी जीता यह है मुहावरा कि हंकार निम्रता ने जीत लिया ते बाकी तुसी एक शब्द पढ़ते हो श्लोक है सुखमनी साहब का सुखी बसे मस्कीनियां आपने वास्तल है बड़े बड़े अहंकारी है नारम नानक गर्व गल है पुरातन जितने भी पुस्तक ने जिद कि कितने गुरबाणी दे मस्कीनियां भलवाना जुड़ते हैं कि सिख ने गुरु साहब की सेवा करने लिए कितनी कुरबानी की थी भलवान कोई तो तू मरने वास्ते आ गया तेन तो मेरा एक तफ नहीं समझना पड़ेगा मैं तो गुरु की सेवा तू लिखा आप ढंडोरा दिता कि हर वाले में 500 मिलेगा इस तरह मेरे गुरु की सेवा गुरु के सिख की सेवा गुरु के संतन की सेवा होगी मैं अपनी जान की परवाह नहीं गुरु सिखा की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाए ना ना बाणी अर्थ कर रही अपने आप मैं कोई कोट अल हरे निर्मल पै चीता ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता जो जो कीनो आपनो तिस अवैदान दीता जिन दिन उन्होंने अपना कर लिया हूँ अपना सू असी किसी बंदे की अगर होइए असी किसी को प्यार करिए सू ताए कोई अपना करेगा ना जो असं अंदरों सच्चे होवे अपना कितने आँदी है जिसे बता बंदा अंदरों सच्चा प्यार करे अंदरों सही चाहे किसी को कोई लग लवेड़ ना हो किसी किस्म की लालच ना हो कोई तेल तमा ना हो सतगुरु चीज का सम्मान करते हैं ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता जो जो कीनो आपनो तिस अवैदान डर डर हो गया इंसान अब डर तो डर तो उपर हो गया सिंह बिलाई हो गए सिंह कहते शेर नू बिल्ली बन गया जितने भी संसार के बड़े बड़े दुख सन
ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਬਿਰਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ ਚਮ ਕਰਦੇ ਦਮ ਆੜ ਕੋ ਕੌੜੀ ਲਈ ਸੀ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਮਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗਣੇ ਧਨੀਤਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੰਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਵਿੰਗ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਲੰਗਰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਭੰਨਣ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਦ, ਸੁੰਦਰ ਜਲਾਲ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਤਵਿਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸਭ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਸਮ ਕਰਦੇ ਦਮ ਆੜ ਕੋ ਤੇ ਗਣੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕਮਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ ਨਾਮ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਖਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤੌਕ ਮੇਰੇ ਗੱਲੇ ਪਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਤਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਪੁਰ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਾ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।